दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग लॉस होकर बर्बाद हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो तरीका से खेल के बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कर रहे हैं। ड्रीम इलेवन पे ऐसा कौन सा कॉन्टेस्ट है जो खतरनाक कॉन्टेस्ट माना जाता है, बहुत ही खतरनाक कॉन्टेस्ट है, उसमें कौन सी टीम डालनी चाहिए, किस प्रकार का टीम होना चाहिए जो उस कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन करे वरना कॉन्टेस्ट वो ज्वाइन नहीं करे, वो मैं बताऊँगा। जिंदगी भर वर्क करेगा, जिंदगी भर काम आएगा। तो मेरे भाई बीते कुछ दिनों से हम लोग लगातार मिनी जीएल जीएल अल्ट्रा क्लीनशिप कर रहे हैं, जो सेम टीम दिया जाता है, सेम टीम जो मैं देता हूँ वो टीम से मैं भी खेलता हूँ, तो आप लोग भी फायदा उठा रहे होंगे। जो लोग नहीं उठा रहे थे, सबसे पहले क्या करो, हर डोमेस्टिक मैच वोमेन T10 वगैरह यहाँ पर डोमेस्टिक मैच ही दिया जाता है। इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, 54,000-55,000 के लगभग दिखेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो था वहाँ पर लिंक होगा, ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल चैनल पे आओगे। हर मैच का फ्री में टीम मिलेगा, प्रॉफिटेबल जीएल का टीम, मतलब हर ऐसी चीज़ जो मज़ा आ जाएगा, एक्सचेंज 22 पिक हो चाहे ट्रेडिंग में तहलका हो। तो मेरे प्यारे भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन का सबसे खतरनाक कॉन्टेस्ट कौन सा होने वाला है, कौन कौन से लोग हैं जो बर्बाद हो रहे हैं इसमें खेल खेल के, और कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। चलिए उनके ऊपर बात करते हैं, खतरनाक कॉन्टेस्ट कौन सा माना जाता है। अब यहाँ से देखोगे ये 60% है भाई, खतरनाक कॉन्टेस्ट नहीं है, 63% है यानी 50% या 40%, 40% से अधिक जिसमें विनिंग रेशियो हो वो एकदम सेफ सटीक कॉन्टेस्ट माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं, खेलो एवरेज भी टीम रहा कोई दिक्कत नहीं। 44% जो है ये जो है ना खतरनाक नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिस्की कॉन्टेस्ट माना जाता है। 50% से नीचे जिसमें विनिंग हो वो थोड़ा रिस्की है, और भैया 30% से कम हो तो भैया वो तो खतरनाक कॉन्टेस्ट है। ये 45% है, ये भी थोड़ा रिस्की कॉन्टेस्ट माना जाता है। 99 वाला ये 66% है भाई, ये ठीक ठाक कॉन्टेस्ट है, आराम से खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है, आम लोग भी खेल सकता है। अब चलिए बात आती है खतरनाक कॉन्टेस्ट। भैया बहुत सारे लोग साधारण टीम से ज्वाइन करते हैं, लोग स्मॉल लीग अल्ट्रा क्लीनशिप करते हैं, वो कहते हैं भैया मैं हार गया। क्यों नहीं हारोगे, टीम को समझना होगा मेरे भाई, टीम को एक चीज करके एकजुट करके आपको समझना होगा। अब चलिए यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। पहले नंबर पे आता है मेरे भाई खतरनाक कॉन्टेस्ट में ये 20 रुपये वाले और ये 75 रुपये वाले। अगर यदि तीन टीम भी लगाते हो और एक टीम विनिंग जोन में रहता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे, सेम इसमें भी होता है, लेकिन परसेंटेज देखो 21% लोग स्मॉल लीग अल्ट्रा क्लीनशिप कर पाते हैं। लोग कहते हैं भैया मैं हार गया, ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखते हैं, ये कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में हर टीम से नहीं विन कर पाओगे मेरे भाई, कुछ कॉन्टेस्ट होता है जो अलग टीम बनाना चाहिए। इन सभी कॉन्टेस्ट के लिए आपको किस प्रकार से टीम बनाना चाहिए वो मैं बताऊंगा। खासकर सबसे बड़ा खतरनाक का बाप है, खतरनाक का बाप ये 125 वाला, 11% विनिंग भाई, 200 लोगों में आपको 11% विनिंग में आना है, यानी कि 21 तक में आना है। इसमें लोग टीम डाल देते, बोलते भैया आपने बोला क्लीनशिप हमने कहाँ विन किया, भाई 21% विनिंग करना यानी मिनी जीएल ऑल क्लीनशिप जीएल के काफ़ी करीब, हर टीम ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। इस ऐसे कॉन्टेस्ट में कौन सी टीम लगाना चाहिए पता है, जो मैं देता हूँ अक्सर रिस्क लेकर वो मैं बताऊँगा कैसा टीम होना चाहिए, या फिर खुद से बना रहे हो तो कैसा टीम होना चाहिए, ये भी खतरनाक कॉन्टेस्ट। 75, 125, 20 और 375 ये तीन जो है ना बहुत तगड़ा खतरनाक कॉन्टेस्ट माना जाता है। वैसे थोड़ा सा रिस्की कॉन्टेस्ट में आता है 189 वाला और 99 वाला, ये आता है रिस्की कॉन्टेस्ट में। यहाँ पर थोड़ी सी टीम वर्क कर गई तो अच्छा खासा अमाउंट देता है भाई, अच्छा खासा, थोड़ा सा भी आगे जाओगे तो अच्छा खासा अमाउंट लेकर आ जाओगे। ये ठीक ठाक कॉन्टेस्ट है 21 वाला, कैसे भी टीम रहे ये 15 वाला लगभग विनिंग जोन में आ जाता है, तो खैर ये खतरनाक कॉन्टेस्ट में नहीं आता है। तो जो मैंने बताया उनके ऊपर चलिए बात करते हैं, 75 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, 125 रुपये वाले और 375 रुपये वाले में कौन सा कॉन्टेस्ट लगाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से टीम एक क्रिएट करके आपको बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ ध्यान देना, ध्यान दोगे जिंदगी भर वर्क करेगा, चीज़ों को समझोगे, हर टीम नहीं डाली जाती ऐसे कॉन्टेस्ट। जैसे पीसाल्ट 93% सिलेक्शन है, बेंडक्केट 90% सिलेक्शन है, मोइन अली 80%, 75%, 84%, टीम साउथी हो गया, फजल फारूकी हो गया, शेन एवोट हो गया,
यहाँ से देखोगे ये भी 50% प्लस 54% सिलेक्शन है। अब यहाँ से भी देखोगे तो लगभग आपको 45% सिलेक्शन, यहाँ भी देखोगे तो लगभग 41% सिलेक्शन। यानी यहाँ से जो मैं टीम क्रिएट किया हूँ, कैप्टन बीसी पहले देख लेते हैं। कैप्टन यहाँ से देखा जाए तो भाई कैप्टन कौन होना चाहिए, चलो कैप्टन लोगों ने साउथ ही पे गया, मैं भी साउथ ही पे जा रहा हूँ, परसेंटेज है भाई। और पी साल्ट के ऊपर भीसी गया, मैं भी भीसी चला जाता हूँ। ये टीम बनाओगे और आप 20 रुपये वाले, 75 रुपये वाले, 125 रुपये वाले, 375 वाले पे डालोगे और कहोगे भैया विनिंग चाहिए, ज़िंदगी में विनिंग नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा। ऐसे शर्त में होगा जब सारे के सारे प्लेयर आपका ड्रीम टीम में होना चाहिए, फिर विनिंग हो सकता है। ऐसे परसेंटेज बेसिस टीम बनाते हो भाई, कहाँ से विनिंग होगा जहाँ 21% है, 2000 में 300 लोगों को देता है। और आप साधारण टीम से लोग स्मॉल लीग विन करते हैं, आप बोलते भैया आपका अपने टीम दिया प्रॉफिट नहीं हुआ। सब टीम ऐसे कॉन्टेस्ट में नहीं डाली जाती, ये सब टीम है 50% अधिक विनिंग जो उन सब पे डालो फिर भी वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा आपको, फिर भी हो जाएगा। लेकिन ये खतरनाक कॉन्टेस्ट में नहीं होगा। अब खतरनाक कॉन्टेस्ट में विनिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, जो मैं अक्सर करता हूँ, पहला है कि जो आपने टीम बनाया वो कैप्टन वीसी जो कोई नहीं दे रहा उनको देना चाहिए आपको। कुछ रिस्की कैप्टन वीसी आपका होना चाहिए, जैसे मुझे लग रहा है कि 1% है ये, इनको मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ। वीसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको दूँ, बिन्नी होबल 2% है, मैं इनको दिया हूँ। अब ये टीम चलेगा उसमें भी क्या 9 प्लेयर कम से कम ड्रीम टीम में आना चाहिए और आपका कैप्टन वीसी वर्क करना चाहिए। कैप्टन वीसी वर्क करेगा तो फिर विनिंग जोन में आप आ जाओगे, बात को समझ रहे हो ना। रिस्क आपको कम से कम जो टीम बनाए हो, सेफ टीम बना लिए हो, तो कम से कम कैप्टन वीसी पे रिस्क लो। कैप्टन वीसी अगर यदि आपका रिस्क लिया, कोई इन लोगों को कैप्टन वीसी नहीं दे रहा, आपने दिया वर्क कर गया, तो फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा वहां पर। अब 75 में 320 में 80 ले जाओगे, 125 में 1000 भी ले जाओगे, लेकिन 375 125 वाले में थोड़ा सा और टीम पे रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर जैसे मैं, मुझे लग रहा है कि भैया सेफ कैप्टन बीसी बढ़िया है, टीम साउथी कैप्टन और पी साल्ड बीसी ये बढ़िया है, तो कैप्टन बीसी सेफ जा रहा है, तो भैया कुछ प्लेयर पे आपको रिस्क लेना, एक या दो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो खतरनाक हो, और कुछ ऐसे प्लेयर होना जो बड़े पे रिस्क ले रहे हो, जैसे मैंने बिन डक्कट पे रिस्क ले लिया। और मुझे आज लग रहा है डब्लू मेडसन अच्छा करेगा, 13% सिलेक्शन, किसी को बताना मत। टॉम हार्ट भी 2% है, कैप्टन बीसी परसेंटेज पर ही मैं चला गया। अब आपको इस टीम को आंख बंद करके सो जाना है, बस दो चीज़ पे निर्भर रहना है, डब्लू मेडसन, टॉम हार्टली, जिनको ड्रॉप किए हो वो फ्लॉप जाना चाहिए, यहाँ पर भी बिन डक्कट को ड्रॉप किए वो फ्लॉप जाना चाहिए, ये दोनों वर्क करना चाहिए, फिर 125 20 75 वाला सब विन कर जाओगे, समझ रहे हो बात को। अब चलिए मैं सीधे एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। तो मेरे भाई ये खतरनाक कॉन्टेस्ट को विन करने के लिए कम से कम आपका कैप्टन वीसी पे रिस्क होना चाहिए, या फिर एक से दो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिनका सिलेक्शन कम से कम 15% से कम हो, याद रखना 15% से। अगर यदि एक दो प्लेयर आपने पिक करके रखा है कि इनका सिलेक्शन कम है और वो वर्क करने वाला, तो फिर ये सब कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। या फिर कैप्टन वीसी ऐसे लोगों को दिया हो जो कोई नहीं दिया हो और आपको लग रहा है कि ये कैप्टन वीसी आज वर्क करेगा, तो ऐसे टीम में आप ऐसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। यानी मेरा कहने का मतलब एक से दो ट्रंप प्लेयर होना चाहिए जिनका सिलेक्शन बहुत कम हो, या फिर आपका कैप्टन वीसी ऐसे होना चाहिए जो कोई नहीं दिया हो, फिर लगाना। आप सेफ टीम बनाओगे जो सब बना रहा है वैसे बनाओगे, ऐसे कॉन्टेस्ट में कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है रिस्की टीम ऐसे कॉन्टेस्ट में आपको लगाना चाहिए। सेफ टीम आओगे डेली का डेली हार कर जाओगे, और आपको लगेगा भैया मैं टीम डेली बना रहा हूँ, यही टीम से हमारा बगल का दोस्त डेली का डेली प्रॉफिट कर रहा है, मैं हार रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्टेस्ट चेंज कर दिया। सेफ टीम बन रहा है तो वो ऐसे सब कॉन्टेस्ट लगा रहा है जो 50% से प्लस की विनिंग हो, 99 वाला 59 वाला इसमें 75 दे रहा है, 100 दे रहा है, 150 दे रहा है, और आप वहाँ पर जा रहे हो 20 में एकदम 80 लेने, 75 में 300 लेने, तो कम रुपये में ज़्यादा अमाउंट लोगे तो ज़्यादा रिस्क भी लेना होगा। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि कैप्टन वीसी प्लस प्लेयर पे रिस्क होना चाहिए, ट्रंप प्लेयर होना चाहिए, फिर ऐसे कॉन्टेस्ट आप विन करोगे। साधारण टीम से कभी ज्वाइन मत करना, वरना हारते रहोगे और वही टीम से आपका दोस्त विन करते रहेगा, क्योंकि वो सेफ कॉन्टेस्ट खेलेगा 50% प्लस विनिंग वाला। तो हमारी बातों को आप लोग समझ गया, खासकर मैं रिस्की टीम देता हूँ, हमारे टीम से खेला करो, जब भी लगे कि मैंने सेफ टीम दिया हूँ तो फिर ऐसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना, वो 50% प्लस वाला विनिंग करना, या फिर 3 मेंबर कर लेना।
तो फिलहाल के लिए वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोग निरंतर जो प्रॉफिट कर रहे हैं और भी ज़्यादा करें। आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो, और आशा मैं ये भी करता हूँ कि आप लोगों को मैंने सही जानकारी दे पाया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कॉमेंट करना, आपका भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। चैनल मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, जो नहीं किए कर दो, गिव अवे का भी फायदा मिलेगा, मुझे भी खुशी मिलेगा। अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी ये बातें समझ में आएगा, वो भी प्रॉफिट करेगा, आपका ही नाम होगा। सबका भला करो, आपका भी भला होगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं घटने वाला है, और मेरा मुकेश अंबानी मैं भी नहीं बनने वाला हूँ, बस दोनों के बीच एक प्यार और एक सपोर्ट रहता है। चलिए खतरनाक कॉन्टेस्ट को इन्हीं से एंड करते हैं, आपसे हमारा प्यारे भाई सवारे लोग प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे।